हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्पार्टन पैसेंजर लिफ्ट पे हूँ। SPM 250 ढाई टन की मशीन है। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था मेन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये रहा मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये है ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर C2। C1 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है। C2 के बारे में बात करेंगे क्या होता है। C2 हमारा है यहाँ पर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर। इसका क्या काम है, जब ये हम कमांड देते हैं तब ये ऑन होता है। जैसे भैया जरा चलाना मशीन, देखिए अभी ये कमांड लिया तब मशीन ये डाउन गई, या अप के टाइम पे ये कमांड देंगे तो ये मशीन ऊपर जाएगी, या अभी अप लिया तो ये ऑन हुआ। तो ये ऑन होने पर ही हमारा मोटर यहाँ पे लगा होता है, इसके अंदर है पूरे कवर में, ठीक है। तब तो इसका ब्रेक रिलीज़ होता है, तब जाके मोटर ऊपर नीचे होता है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपकी मशीन न ऊपर जाएगी न नीचे जाएगी, क्योंकि ये ब्रेक उसको पकड़ रखा होगा। तो कभी भी अगर इस टाइप से दिक्कत आए कि आपका लिफ्ट ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर भी चेक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।